अरे इतने बड़े अगर आप सामाजिक कार्यकर्ता हो और क्रांतिकारी हो तो भैया 2-4 दिन अगर जेल रहा होगे तो क्या फर्क पड़ता है। दिल्ली में स्कॉलरशिप के लिए शेड्यूल कास्ट के जो बच्चों की लिमिट है वो 2 लाख रुपए है, वही एसटी और ओबीसी की 5 लाख रुपए है। आपको मैं आपको एक कार्य दे रहा हूं, अगर आप कर सको तो। जब आम आदमी पार्टी जब सत्ता में आई थी तब जब मंत्री जी कहते थे कि स्पेशल कंपोनेंट प्लान, जो शायद आप लोगों को नहीं पता, एक स्पेशल कंपोनेंट प्लान है शेड्यूल कास्ट का, कि एक बजट का एक हिस्सा जो शेड्यूल कास्ट के वेलफेयर के लिए खर्च होगा उस हिस्से से इन्होंने फ्री बिजली पानी फ्री बस चला दी, परंतु शेड्यूल कास्ट के लिए स्पेशल कंपोनेंट प्लान नहीं किया। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एंटी शेड्यूल कास्ट इसलिए भी है क्योंकि ऐसा नहीं है कि अरविंद केजरीवाल के फेवर में जो है, सॉरी राजेंद्र पाल गौतम के फेवर में अगर कोई स्टेटमेंट दे तो वो उसका जो चेहरा वो सामने नहीं आएगा। देखिए, वी डोंट वांट दैट ही गिव एनी स्टेटमेंट इन फेवर ऑफ राजेंद्र पाल, बट इफ राजेंद्र पाल गौतम इज क्लेमिंग हिमसेल्फ दैट ही इज द ट्रू लीडर ऑफ दिस कम्युनिटी, देन ही शुड प्रोड्यूस 5 or 6 मेंबर ऑफ हिज ओन पॉलिटिकल पार्टी दैट दे एमएलएज एंड द काउंसलर्स आर विद मी आइडियोलॉजिकली, बट हूसोएवर वांटेड टू टेक political advantage from the political party, he will do slavery in their party only. देखिए, 11 विधायक हैं, वो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, वो समाज के ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो मंत्री होता है वो समाज का रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो किसी विधानसभा का, किसी पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता। अगर सोशल वेलफेयर मिनिस्टर बना है तो वो 70 की 70 विधानसभाओं के जो शेड्यूल कास्ट है उनका रिप्रेजेंटेशन करेगा, ऐसा नहीं है कि वो अपनी एक विधानसभा का करेगा। देखिए, वो शामिल थे, इसीलिए यही तो बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि वहां तो जब ये क्लेम करते हैं 10,000 लोग थे तो भैया 10,000 में से 10 विधायक तो आज आपके चैनल के माध्यम से बोल दे कि हम भी वहां मौजूद थे। अरे इतने बड़े अगर आप सामाजिक कार्यकर्ता हो और क्रांतिकारी हो तो भैया 2-4 दिन अगर जेल रहा होगे तो क्या फर्क पड़ता है। जलते घर को देखने वाले फूस का चप्पर आपका है, उसके पीछे तेज हवाएं, आगे मुकद्दर आपका है, तेरे कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया और मेरे कत्ल पे तू भी चुप है, अगला नंबर आपका है। तो जितने जो लोग हैं, ऐसा नहीं है कि राजकुमार जी हैं वो यूनिवर्सल नेता रहेंगे 10-20 साल, उनके साथ भी यही होगा। राजकुमार आनंद शायद, हाँ राजकुमार आनंद जो है पटेल नगर विधानसभा से, अरे इन्हीं के हैं जो शेर का भाई वगैरह, एक कुदनो दूसरा तेहरा, तो इनके वो कहानी है। मैं देखिए, तो राजेंद्र पाल गौतम के साथ मिशनरी है और जो संदीप जी के जैसे मिशनरी है और जो राखी बिल्लान जैसे मिशनरी है वो ऐसे ही मिशनरी है, जिस प्रकार जो अब जो जिसका नाम आप ले रहे हो वर्तमान के। नहीं, पॉलिटिकल रिजर्वेशन की जरूरत अगर इस समाज को, अगर आप दिल्ली के कंटेक्स्ट में पूछ रहे हैं या आप जो है सेंट्रल लेवल पे पूछ रहे हैं तो उसकी जरूरत आज भी है, परंतु जब एक सवाल उठता है कि पॉलिटिकल पावर इज ए मास्टर की विच कैन ओपन द डोर ऑफ द प्रोग्रेस, दैट पावर की शुड बी इन द सोशल प्रोस्पेक्टिव ओनली। थैंक यू सो मच। थैंक यू।